छः दिनों का कार्यक्रम का जो अंतिम दिन है, सद्गुरु कबीर जिन विचारों को जनमानस में कहे और जो उनके कहे द्वारा कुछ पद समाज के सामने आया, उसी पद के अनुसार से समाज सद्गुरु कबीर को जानते हैं। उनका जीवन कैसा रहा होगा, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, वो सरल शब्दों में भी और कठिन शब्दों में भी दोनों ही प्रकार के कहते हैं, समाज के लिए भी कहते हैं, अध्यात्म के लिए भी कहते हैं, परम ऊंचाई की बात करते हैं तो साधारण सिंपल सी बात भी कहते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं पहले बता दूं कि सद्गुरु कबीर का विचार किसी व्यक्ति विशेष जाति मत पंथ संप्रदाय मजहब से कोई वास्ता नहीं रखता। सद्गुरु कबीर का विचार मानवीय एकता के लिए है। सद्गुरु कबीर का विचार आदमी को आदमीयत पैदा कर सके ऐसा विचार है, आदमी के अंदर आदमीयत पैदा हो। सद्गुरु कबीर के विचार में कोई लेबल नहीं है, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस मजहब के हैं, इस संप्रदाय के हैं। सद्गुरु कबीर का विचार मनुष्य के लिए है। जो सद्गुरु कबीर के विचारों को सुनकर के जीवन में परिवर्तन लाना चाहे वो ला सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर का विचार प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हैं उनके विचार, जो विज्ञान आज साबित करती है। जिन बातों को हम सुनते हैं पहले, वो कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व हुए और कह करके चले गए। आज उन्हीं के परंपरा से हम जितने भी संत सुन रहे हैं, जिनकी चर्चाएं होती है, जो महापुरुषों की चर्चाएं होती है, उन्हीं परंपरा से है। सद्गुरु कबीर का एक पद है, बहुत ही मार्मिक पद, सिर्फ 4 पंक्ति का पद है और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। सद्गुरु कबीर के प्रसिद्ध पद है ये, जिस पर संत जन कई बार चर्चाएं करते रहते हैं और बहुत ही सरल सा पद है, कठिन भी नहीं है वह पद। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो साधो कठिन काल को घेरा। मैंने परसों भी कहा था कि सद्गुरु कबीर साहेब कहीं बंदे कहते हैं, कहीं संतों कहते हैं, कभी कबीरा कहते हैं, कभी दादा बाबा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो, बंदा कभी किसी भी प्रकार के सम्मान के साथ, आदर और सत्कार के साथ पुकारते हैं। यहाँ कह रहे हैं बंदे, हे बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा करने को, निवेरा का मतलब समाधान करना। और जीवन में हर व्यक्ति समस्या चाहते हैं और इस दृश्य हम बैठे हैं, सारे लोगों के पास समस्या है। कोई किसी की बात नहीं सुनता तो कोई किसी की बात नहीं मानता। किसी को शरीर से समस्या है तो किसी के परिवार से समस्या है, किसी को समाज से समस्या है तो किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन से समस्या है। हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है और उसका केंद्र है खुद। हर व्यक्ति अपने ही लिए नए नए समस्या पैदा करता चला जाता है और आदमी कई प्रकार के समस्या बनाते चले जाते हैं। समस्याएं कई प्रकार की होती है, आदमी बिना मतलब के मतलब काल्पनिक समस्याओं में भी उलझता रहता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा, निबेरा कर लो, आज अवसर मिला है। एक अंधा आदमी को कहा जाए कि तुम अपने भोजन की व्यवस्था कर लो, तुम अपने लिए भोजन बना लेना और अपनी समाधान कर लेना, उनके लिए समाधान नहीं है। एक लंगड़े को कहा जाए कि तुमको यहाँ से 3 किलोमीटर की यात्रा करना है, वहाँ जा करके संतों का दर्शन करना है, वो समाधान नहीं कर सकता है। एक बैरे व्यक्ति से कहा जाए तुम जा करके वहाँ प्रवचन सुनना, संतों के विचार सुनना, तो नहीं कर सकता है। क्या हम बैठों में अंधे भी हैं?
क्या हम बैठे में से लंगड़े भी हैं? क्या हम बैठों में जो आँख से दिखाई नहीं देता, अंधे कान से सुनाई नहीं देता, बहरे भी हैं? ये सब कुछ नहीं है, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है, हम नए विचारों को संचालित कर सकते हैं, अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, शिकवा और शिकायत भरी जिंदगी छोड़ सकते हैं, प्रेम से मुस्कुरा करके जी सकते हैं। आज अवसर है, आज अवसर है, साथ में माता पिता है, आज अवसर है, साथ में भाई है, आज अवसर है, साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार हैं, आज अवसर है, इष्ट मित्र हैं, आज अवसर है, हमारा शरीर स्वस्थ है, आज अवसर है, हम कान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आज अवसर है, संतों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, आज निबेरा कर सकते हैं। कल के दिन में मत छोड़िए, कल क्या हो जाएगा कौन जानता है, किस वक्त, किस घड़ी, किस समय, किस लम्हे मौत आ जाए, मौत दस्तक दे दे, कोई नहीं बचा पाएगा। ये मौत इतना खतरनाक है कि पूछना ही क्या है। और ये अंतिम समय होता है, जब मौत होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। अंतिम में सद्गुरु कबीर साहब कहते भी हैं उसको, मैं कह रहा था कि बंदे कर ले आप निबेरा, निबेरा करना अपना। कैसे निबेरा करना है, आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुहे कहाँ घर तेरा। मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद स्वर्गवास का टाइटल मिलता है। सद्गुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आप जियत लखो, आप जीते जी लखो, आप ठौर करो, अपना ठौर स्थान पता करो, आपका ठौर आपका घर नहीं, छड़ सीमेंट मकान इट्टा गीला से बना हुआ ये मकान है, आपका ठौर नहीं है वो। मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा, सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं। आप जीते जी विचार करो कि अंतिम में स्थिति क्या होगी, जीते जी विचार करो कि अंतिम में जानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अपना ठौर कहाँ होगा। जब एक आदमी एक मार्केट से आता है और मार्केट से आते आते उनको लगता है कि मैंने जो कुछ लेना चाहिए था मैंने नहीं ले पाया, तो व्यक्ति क्या करता है, लौट करके उसी बाज़ार में जाता है, उसी मार्केट में जा करके फिर से वो चीज़ खरीद करके आता है। यदि आज हमने अपना काम पूरा नहीं किया, आज यदि हमने अपना ठौर ठिकाना नहीं बनाया, ठौर ठिकाना का मतलब पक्का मकान हो, फाल सीलिंग लगा हो, एसी कमरे हो, डाइनिंग रूम सजा हो, बेडरूम सजा हो, भोजन पानी अच्छा होता हो, हर चीज़ व्यवस्थित हो, ये तो घर का ठौर है, आपका ठौर नहीं है। जो आएंगे उसका ठौर है, आपका ठौर वो नहीं है। आपका शरीर छूट जाएगा, आप नहीं रहेंगे तो क्या वहीं जा करके आप बसेंगे। आपका ठौर आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति क्या है, आप किसके लिए समय देते हैं, कहाँ समय लगाते हैं, कहाँ अपना शक्ति लगाते हैं, सिर्फ धन में परिवार में शक्ति लगाते हैं। क्या हम कभी आत्मचिंतन किए हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए मरने के बाद क्या होता है, क्या हमने आत्मचिंतन किया है कि जीते जी क्या हम आनंद से जी रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं तब तक हम बादशाहत जीवन जी रहे हैं, क्या हम जीते जी एक दूसरे से चेहरे पे मुस्कान आता है, हम परिवार के साथ हंस करके जी पाते हैं, समाज के साथ हंस करके जी पाते हैं, नहीं जी पा रहे हैं तो हम कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं अपना निबेरा कर लो, आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है। एक व्यक्ति यहाँ से मुंबई के लिए निकलता है, मुंबई के लिए पांच परिवार उनके, पांच सदस्य थे परिवार के, पांचों सदस्य निकले, मुंबई का ट्रेन छूटने वाली थी। उतना में बच्चा दौड़ करके आता है और ट्रेन आती है, ट्रेन आने के बाद में वो ट्रेन में चल रही थी, ट्रेन में छोटा सा बच्चा चल रहा था, इतना में उसका पैर फिसलता है, उसका पैर फिसल करके रेलवे के स्टेशन जो बना रहता है प्लेटफार्म और रेलवे डिब्बा के बीच में चला जाता है। उसका पिता उसको उठाने के लिए जाता है, वो वहीं फंस जाता है। इधर से दौड़ करके उनकी छोटी सी बच्ची आ रही थी,
ट्रेन इतने में चल पड़ती है और ट्रेन चल पड़ती है, बच्ची ट्रेन को पकड़ करके दौड़ना चाहिए, वो भी फिसल करके गिर जाती है, साथ में उनकी माँ भी उसको बचाने के चक्कर में वो भी चली जाती है। सिर्फ दो मिनट में पूरे परिवार ख़त्म। क्या यही जिंदगी है? मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त मौत आ जाए कोई नहीं जानता है। आज अवसर मिला है। आज हमारी स्थिति अच्छी है, आज हमारा चिंतन अच्छा है, इसलिए आप सत्संग की स्थल पर बैठे हैं। नहीं तो आप मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते होते, या फिर डिस्प्ले चालू करके, स्क्रीन चालू करके कोई फिल्म वगैरह देखते होते। आज अवसर मिला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आज अवसर मिला है, आज नहीं चेतोगे, आज यदि स्थिति नहीं सुधारोगे, अंत कोई नहीं तेरा। अंतिम में आपके हमारे साथ में कोई नहीं जाएंगे। अपने कितने ही रिश्ते माने थे हमने, कितने ही प्यारे माने थे, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, कितने ही रिश्ते माने थे नज़दीकी के, साथ में रहने वाली, आपके साथ में रहने वाली आपकी पत्नी जो जीवन साथनी है, जीवन संगिनी है, जो कहती थी कि 7 जन्म तक आपके साथ निभाऊंगी, वो भी जब आप इस दुनिया से जब अलविदा होते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो आपका साथ नहीं निभा पाते हैं। आपका साथ नहीं निभा पाते हैं जब आप जाते हैं तो अकेले जाते हैं। अरे जाने के बाद तो छोड़िए, आप जब जीवित होते हैं ना, और जीवित होते हैं और आपके अंदर प्राण, सांस, प्राण चल रही है, आप शरीर से असहाय हो चुके हैं, आपके साथ साथ निभाने वाले आपके बच्चे नहीं होते हैं, आपके पत्नी नहीं होते हैं, खाली है भैया, खाली है, बैठिए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं कह रहा था, बंदे कर ले आप निबेरा, लखो आप ठौर करूं मुए कहां घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। बहुत मार्मिक शब्द है, अंत कोई नहीं तेरा, अंत में आपका कोई नहीं होगा। परसों साहब जी उदाहरण दे रहे थे, एक व्यक्ति ने 500 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा किया, लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी, 500 स्वर्ण मुद्राएं मतलब बेस कीमती स्वर्ण की एक कहना चाहिए उपहार है, और वो 500 एक दो नहीं, 500 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करो, एक एक स्वर्ण मुद्राएं ना जाने कितने लाखों लाखों की होगी, वो इकट्ठा किया, लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी अपने जीवन काल का वो एक मिनट नहीं बढ़ा सकता है। जब मौत आती है तो कहता है, मैं एक मिनट के लिए भी तुमको समय नहीं दे सकता। क्या आपके साथ आपका धन संपत्ति है तो क्या आप अपना जीवन काल बढ़ा पाएंगे? आप अपने बच्चों के साथ प्यार से वार्ता करना चाहेंगे, अंत में तो आपका समय आपको मिल पाएगा? मौत जब आएगी तो कोई समय नहीं मिलेगा। आज अवसर है, आज समय मिला है। जो आज हम गांठ मुंह फुलाए रहते हैं, जो आज हम शिकायत करते हैं अपने ही लोगों से, अपने ही संगी साथी से, अपने ही परिवार वालों से, सद्गुरु कबीर का विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार रहता है। सद्गुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि अपना निबेरा करने के लिए किसी परमात्मा के चक्कर काटो, इस देवी की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, यहाँ जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ, प्रयाग में जाओ, गंगा में स्नान करो, ये सारे चीज़ किनारे कर देते हैं। कहते हैं, आप जीते जी लखो कि आपका ठौर कहाँ होगा। इस अवसर या आज जो अवसर मिला है उसमें यदि आप नहीं चेते तो अंत में आपके साथ कोई नहीं होगा। सद्गुरु कबीर साहब की अंतिम पंक्ति है ये पद का, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा।
घेरा, कहें कबीर सदरु कबीर साहब, कबीर साहब अपना उदाहरण दे, अपने ही नाम छाप लगा करके कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये संतो पूरे समाज को संत कह रहे हैं। सदरु कबीर साहब की बात ही अलग है, मैंने पहले ही कहा कभी संत कहते हैं, कभी दादा बाबा बाप के लिखो चरणन हुई हो बंदा, कभी दादा कहते हैं बाप कहते हैं, उसमें भी क्या कहें उन्होंने, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ, जो अब की बार इस जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, इस जीवन काल में यदि वासना की पुरिया, जो वासना की गठरी है, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, जलन का, इन सारे गठरियों को जला करके राख कर दो, तो इस बार आप स्वर्ग सिंहासन में आप चढ़ जाओगे। सदरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो साधो कठिन काल को घेरा। ये काल का घेरा है बहुत जबरदस्त है, आज तक ऐसा कोई घेरा नहीं है जिसको तोड़ा ना जा सके। बड़े से बड़े बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर कहो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर कहो, उसको भी लांग करके सैनिक इधर से उधर क्रॉस कर जाते हैं, कोई रोक नहीं पाते हैं। लेकिन ये मौत, ये काल समय, मौत का ऐसा एक बॉर्डर है काल चक्र का, ये बहुत कठिन है, इससे कोई पार नहीं हो पाएंगे। आज अवसर मिला है हम सबको, सदरु कबीर की बहुत ही सरल पंक्ति, मैंने कहा बंदे कर ले आप निबेरा, अपना निबेरा कैसे करना है, आप सबको प्रेम से आनंद से जीवन को गुजारना है, हंस करके मुस्कुरा करके जीवन को जीना है, अपने बड़ों को सम्मान देना है, माँ बाप को सम्मान देना है। एक अच्छे संत है, उन्होंने कहा आपके भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता है, जो व्यक्ति माता पिता के संत गुरुजनों की, मैं बार बार इस चीज़ को कहा करता हूँ, हमारे वेद में चार देवता आते हैं, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव। इन चार देवता को आप मान लीजिए 33 करोड़ देवी देवता में, एक देवता को मत मानिए चलेगा, इन चार देवता को मान लीजिए, फिर चाहे 33 करोड़ देवी देवता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि आप इन चार देवी देवता को नहीं मानते हैं जिन्होंने जो बताया मैं, आप 33 नहीं 56 करोड़ देवी देवता पूछते रहिए, आपका सही होने वाला नहीं है, आपका यदि कर्म ही खराब है तो आपको कौन बनाएगा। इसलिए इन चार देवी देवता को पूजा करिए, अपने घर में सम्मान करिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अपने अंतिम समय में सोचें कि अंतिम में इस जीवन में जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अंतिम में मुझे मेरी स्थिति क्या होगी, आप इस पर चिंतन करें और अपना जीवन सही दिशा की ओर ले जाए।